अश्विनी भावे और अक्षय कुमार वो कपल हैं जिनकी फिल्मों को दर्शक तो पसंद करते ही हैं। साथ ही ये दोनों भी एक दूसरे की फिल्मों को काफी पसंद करते हैं। आज तक दोनों एक दूसरे की फिल्मों को देखकर काफी इंजॉय करते आए हैं। पर जहां अश्विनी जी अक्षय की सभी फिल्मों को पसंद करती हैं, वहीं अक्षय को अश्विनी की चार फिल्में पसंद नहीं है। वो इनकी उन चार फिल्मों को कभी भी देखना नहीं चाहते। तो आखिरकार कौन कौन सी हैं वो चार फिल्में, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर एक पर है मोहब्बत की आरजू। अश्विनी भावे की पहली फिल्म मोहब्बत की आरजू को अक्षय बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर ने एक नहीं बल्कि दो दो एक्ट्रेसेस के साथ खिलवाड़ किया था और साथ ही अश्विनी भावे और उनके बीच काफी नजदीकियां इस फिल्म में देखने को मिली थी। बस इसी सब के कारण अक्षय कुमार अपनी को एक्ट्रेस की इन फिल्मों से बेहद नफरत करते हैं। नंबर दो पर है हीना। साल 1991 में आई अश्विनी भावे की सुपरहिट फिल्म हीना को भी अक्षय देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इस फिल्म में अश्विनी भावे ने चांदनी के रूप में विधवा की भूमिका अदा की थी और काफी इमोशनल होती हुई नजर आई थी। पर इनकी आंखों में अक्षय कभी आंसू नहीं देख सकते, इसीलिए उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की ये इमोशनल फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर तीन पर है बंधन। जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूँगा, ये डायलॉग साल 1998 में आई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बंधन का है, जिसमें अश्विनी भावे ने उनकी बहन पूजा का किरदार निभाया था और पूजा के किरदार में उन पर उनकी पत्नी ठाकुर सूरज प्रताप यानी कि जैकी श्रॉफ द्वारा इनके जुल्म किए गए थे कि अश्विनी भावे को दर दर की ठोकर खानी पड़ गई थी। बस इनकी इसी हालत को देखकर अक्षय उनकी इस फिल्म को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। नंबर चार पर है चिताह। अक्षय कुमार अपनी को एक्ट्रेस अश्विनी भावे की आखिरी फिल्म चिताह को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि जहां इस फिल्म की कहानी काफी बोरिंग थी, वहीं मिथुन और अश्विनी के बीच काफी नजदीकियां और बोल्ड सीन भी देखने को मिले थे। बस इसी कारण ये अक्षय कुमार को उनकी फिल्म देखना पसंद नहीं है। वेल दोस्तों, आप अश्विनी भावे की किस फिल्म को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी दमदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।